बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से तकरीबन तमाम लोग यही चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, हमसे बात करें, हमारी बात गौर से सुनें और हमें प्यार दें। इसलिए मैंने आज एक ऐसा टॉपिक ढूंढा है जो कि निकोलस बुटमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन जस्ट 90 सेकंड्स का मुख्तसर खुलासा भी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे किसी भी इंसान को अट्रैक्ट और इम्प्रेस करके इनसे बातचीत कर सकते हैं जस्ट 90 सेकंड ही बात करके। ये बात आप लोगों ने गौर किया होगा कि YouTube वगैरह पे ऐड चलते हैं और ये ऐड सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही चलते हैं और 5 सेकंड के बाद इसे हम स्किप कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐड्स को आप स्किप कर देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐड्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप पूरे देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऐड्स पहले 5 सेकंड में आपकी तवज्जो अपनी तरफ कर चुके होते हैं। यहाँ अथर 90 सेकंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एड्स को अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए सिर्फ 3 से 5 सेकंड होते हैं, इसी तरह लोग हमारा इम्प्रेशन भी बहुत जल्दी बना लेते हैं हमें कुछ ही सेकंड जज करने के बाद। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम स्टार्टिंग टाइम में ही दूसरे पर एक अच्छा इम्प्रेशन बना लें और दूसरों का अटेंशन भी कैप्चर कर लें। दूसरों को बहुत जल्द अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ही यूजफुल होता है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने के लिए। ये सब बातें जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनको पॉसिबल बनाने के लिए हमें इन 3 पार्ट्स को अच्छी तरह समझना होगा। इनमें से पहला है मीटिंग, दूसरा है रिपोर्ट और तीसरा है कम्युनिकेट। किसी भी इंसान के साथ मिलना और इनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, इन दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बीच में एक 90 सेकंड या फिर इससे भी कम टाइम का एक विंडो आता है जहाँ आप रिपोर्ट क्रिएट करके आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। रिपोर्ट का समझ आपको वीडियो के साथ साथ आ जाएंगे। फिलहाल इतना बताना काफ़ी है कि रिपोर्ट से मुराद अगले बंदे के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है। इनमें से पहला पार्ट है मीटिंग। मीटिंग सिर्फ 4 से 6 सेकंड का मुख्तसर सा लम्हा होता है जहां दो अजनबी लोग एक दूसरे की लुकिंग, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग वगैरह को देखकर बगैर बात करें एक दूसरे के बारे में अपने जहन में कुछ तासरात बनाते हैं और ख़ुद से इस बंदे के बारे में ये तसव्वुर करते हैं कि यह बंदा किस तरह का है, यह बंदा दिलचस्प है, फ्रेंडली है या फिर बोरिंग। इसीलिए अगर हम किसी से मिलने के सिर्फ 3 से 6 सेकंड के अंदर अंदर ही एक राइट इम्प्रेशन दे दें तो इससे आप सामने वाले के दिल में आपके लिए एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा जो कि रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें इसी थोड़ी सी मुद्दत के अंदर एक अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए ऑथर ने 5 स्टेप दिया है जिनको फॉलो करके कुछ सेकंड के अंदर ही एक राइट इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से पहला पॉइंट है बी ओपन। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से फ्रेंडली नजर आए, यानी रिलैक्स और फ्रेंडली होकर लोगों से मिले। अगर आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ शर्माते हुए लोगों से मिलेंगे तो इससे अगले बंदे पर यह इम्प्रेशन जाएगा कि आप दोस्ती करने में या आप बात करने में इंटरेस्ट नहीं है और बस सिर्फ अपने काम के हुसूल के लिए मजबूरन आप इससे सलाम कलाम ही की हद तक ही बात करना चाह रहे हैं। इसलिए आप जब भी दूसरे बंदे के साथ पहले इसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को फ्रेंडली, पुरजोश और दोस्ती के लिए तैयार जाहिर करें, ना कि किसी कन्फ्यूज और तनहा पसंद आदमी की तरह। दूसरा पॉइंट है आई कांटेक्ट। अगले बंदे से मिलते हुए इसके साथ आई कांटेक्ट बनाना आपको पुरएतमाद दिखाता है और आपकी इसके साथ दिलचस्पी को जाहिर करता है। आप खुद ही सोच लें कि अगर कोई बंदा आपसे मिले और आप इससे बात कर रहे हो और वो बंदा इधर उधर देखते जा रहे हो और आपको साफ नज़र आ रहा हो कि वो बंदा आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो यकीनन आपका दिल करेगा कि ये क्या, मैं इससे बात कर रहा हूँ और एक ये है कि ये मेरे बातों पर तवज्जो ही नहीं दे रहा, और आपका दिल करेगा कि उल्टे हाथ के इस बंदे को दे के वहाँ से चला जाऊँ। खैर, ये तो मजाक था। किसी भी बंदे से आंखें चुराना ना सिर्फ आपकी गैर दिलचस्पी को जाहिर करता है बल्कि ये भी जाहिर करता है कि आप साइकोलॉजिकली कमज़ोर हैं और आप मिलने वाले बंदे पर तवज्जो देने की बजाय किसी और तरफ देखते रहें तो शायद अगला बंदा आपको गैर अखलाक भी समझे। इसलिए मिलते हुए अगले बंदे के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें। अगर आपको इस बंदे के आई में डायरेक्टली देखते हुए झिझक महसूस हो रहा हो तो इस बंदे की दोनों आंखों के दरमियान देखते रहिए। नंबर 3, बीम। तीसरा पॉइंट है बीम। इसका मतलब यह है कि अगले बंदे से मिलते हुए कोशिश करें कि आप अगले बंदे से पहले ही एक अच्छी सी स्माइल दे दें। इससे अगले बंदे पर यह तासुर जाती है कि आप एक खुशमिजाज किस्म का आदमी है और आपके साथ मिलने जुलने या फिर बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 4, ग्रीटिंग। मतलब ये कि दूसरे बंदे पर अच्छी सी स्माइल देने के बाद एक अच्छे और महजब तरीके से अपनी ग्रीटिंग शुरू करें। इससे अगले बंदे पर आपके आजिज़ होने के साथ साथ एक बाहलाक आदमी होने का भी तासुर मिलता है और वो समझने लगता है कि आप अगले बंदे को अहम समझ रहे हैं और इज्जत देना भी जानते हैं। नंबर 5, लीन।
यानी बात करते वक्त अगले बंदे के सामने थोड़ा सा झुक के बात करना और एहतरामन अपने सीने में हाथ रखना। ये चीज़ सामने वाले पर यह जाहिर करता है कि आप इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आप अपने आप को इतना भी ना झुकाए कि सामने वाला बंदा आपको नीडी या कमज़ोर समझने लगे, जो कि बहुत गलत है। अब हम उसे पार्ट की तरफ आते हैं और वो है रिपोर्ट बिल्डअप करना। ये पार्ट सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट असल में दो लोगों के दरमियान इमोशनली और मेंटली कनेक्शन के होने की फीलिंग का नाम है। यानी आपको अगले बंदे से मिलकर यह लगता है कि आप इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी दिलचस्पी और फीलिंग अगले बंदे से मिलती है या नहीं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम ह्यूमन इमोशनली क्रिएचर हैं, जो कि मोस्टली दिमाग से ज़्यादा दिल से डिसीजन लेते हैं, और रिपोर्ट फॉर्म करना हमें इमोशनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है दूसरों की फीलिंग और इमोशनल को समझते हुए। अब मैं आप लोगों को स्ट्रांग रिपोर्ट बिल्डअप करने के लिए कुछ अहम पॉइंट बताऊंगा। एक अच्छी रिपोर्ट बिल्डअप करने के लिए सबसे अहम चीज़ सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि आप अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज को ऑब्जर्व कर लें और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बंदे से पहली मरतबा मिले और वो बंदा अगर सोफे पर टेक लगाए हुए बैठा है, तो आप भी इसी स्टाइल में बैठने की कोशिश करें और इस बंदे पर यह तासुर देने की कोशिश करें कि वो बंदा बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और आप उस जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह वो आपसे बात करते हुए थोड़ा मुस्कुराता है, तो आप भी गैर महसूस अंदाज में उसे उसी तरह जवाब देने की कोशिश करें। यह बात साइकोलॉजिकली प्रूव शुदा है, जिसे माहिर मिररिंग टेक्निक कहते हैं, कि आपका उठना बैठना बात करना सब चीज़ों में इस बंदा जैसा बनने की एक्टिंग करना, इससे अगला बंदा सबकॉन्शियसली आपको अपने जैसा और अपने लिए मौजू ख्याल करेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अगला बंदा ये ना सोचे कि ये तो जान के मेरा नकल उतार रहा है। जैसे ये कभी भी ना करे कि अगला बंदे को छींक आ जाए तो आप भी इसके साथ छींकना शुरू कर दें। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो आप किन लोगों के साथ जमेगी जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है। इसी तरह सिमिलर टाइप के लोग ही एक दूसरे के साथ जल्दी से कम्फर्टेबल होकर कनेक्शन बना पाते हैं, क्योंकि माहिरीन यही बताते हैं कि यूजुअली हमें वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं और हम उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी सोच आइडियाज़ पसंद नापसंद हमारे जैसा होता है, और उन लोगों से हमारी नहीं बनती जो हमारा जैसा पसंद और नापसंद नहीं रखते। इसीलिए अगर हम लोगों से इनके जैसा करेंगे तो हम उनके साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। दूसरों से एक स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको इन तीन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला विजुअल, दूसरा वोकल और तीसरा वर्बल। 55% हमारा कम्युनिकेशन विजुलाइज चीज़ों से होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज वगैरह से। 38% कम्युनिकेशन हमारी वॉइस ट्यून से होता है, और बस सिर्फ 7% ही हमारी वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है, मतलब आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो वर्ड्स आप बात करते हैं वो यूज़ करते हैं। इसी तरह आप रिपोर्ट बिल्ड करते हुए हमेशा मुखलिस और जेन्युइन रहे, मतलब आप दूसरे बंदे से बातचीत करते हुए झूठ मूठ की दिलचस्पी जाहिर ना करें और न ही इसके बारे में लंबी लंबी छोड़ें। और वाकई आपकी कोई मामूली सी दिलचस्पी अगले बंदे से मिलती है तो इस बारे में बताइए। ज़्यादा झूठ बोलने से अगले बंदा आसानी के साथ आपके झूठ को पकड़ लेंगे और वह आपके अंदर मौजूद मुनाफिकत से तंग होकर हो सकता है कि वह आपसे ये कहें कि बस अब बहुत हो गया। ये बात सच है कि कुछ लोग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने में तेज़ होते हैं और वो जल्द ही दूसरे बंदे को इम्प्रेस कर सकते हैं और बहुत जल्द ही दूसरे से अपनी दोस्ती गहरी करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी बंदा थोड़ी सी मेहनत करके ये स्किल अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बस इसके लिए सिर्फ इन बातों को याद रखने की ज़रूरत है जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताई गई है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आप पे इंटरेस्ट लें, आप पे बिलीव करें और आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो, तो इन बातों को प्रैक्टिकली अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।